हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बेसिक स्टडी। आप बेसिक स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे अचर संख्या क्या होता है और चर संख्या क्या होता है। अचर संख्या के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। अचर संख्या कॉन्स्ट्रक्ट नंबर, ठीक है, वह संख्या जिसका मान सदैव स्थिर रहता है या संख्या का मान बदलता नहीं है, वह संख्या अचर संख्या कहलाती है। यानी कि वह संख्या जिसका मान सदैव स्थिर ही रहता है, बदलता नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल के सहारे हम इसे समझेंगे। जैसे होता है अचर 1, 2, 3, 4, 5, 6, आप आगे कितना भी गिनती गिन सकते हैं, वो सभी क्या होती है, अचर संख्या, क्योंकि इन सबका मान बदलता नहीं है। यदि इसका मान 1 है तो 1 के बराबर ही रहेगा, 1 कभी भी 2 के बराबर नहीं होगा, ठीक, 1 और ना ही 3 के बराबर, 1 किसी दूसरे अंक के बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर 2 है तो वो 2 के बराबर ही रहेगा, 2 कभी 3 के बराबर नहीं होगा, ठीक, 2 कभी 5 के बराबर नहीं होगा। अब जैसे देखिए 0 है तो 0 का मान क्या 0 के बराबर ही होगा ना, क्या 0 कभी 1 के बराबर हो सकता है, नहीं ना, और ना ही 0 1 के बराबर होगा। 0 किसी जो जैसा मान है वो उसके बराबर ही रहेगा, वो कभी बदलता नहीं है, ठीक। और इन सब के अलावा पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्याएं और वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, ये सभी भी अचर संख्या होती है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। सो दोस्तों, आगे हम देखेंगे चर संख्या। चर संख्या किसे कहते हैं, ये ठीक अचर संख्या का उल्टा होता है। वह संख्या जिसका मान बदलता है उस संख्या को चर संख्या कहते हैं। चर संख्या क्या क्या होती है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे होता है एक्स वाई जेड या फिर ए बी सी, कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक। सो दोस्तों, ये जो एक्स है, अगर एक्स माइनस 5 बराबर 0 है तो एक्स बराबर कितना हो गया, 5। फिर दे दिया कि एक्स बराबर, मान लीजिए आगे दे दिया x प्लस 4 बराबर 0, तो x का मान कितना हो गया, -4, ठीक। तो दोस्तों क्या हो गया, यहाँ x का मान 5 है, यहाँ -4 हो गया, यानी इसका मान बदलता रहता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, y+2=0, तो y का मान कितना निकल के आ गया, -2। अब मान लीजिए आगे दे दिया कि y+6=0, तो y का मान कितना आ गया, -6। तो ये दोनों मान सेम नहीं है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि ये चर संख्या है, ठीक। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, चर और अचर संख्या के बारे में जो मैंने जो भी बताया, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है, बाय।